Hi friends, this is Bal Mukund Sharma once again before you with a beautiful and inspirational story. आज की कहानी में एक फ्लड सीन क्रिएट हो जाता है। बाढ़ आई हुई है गांव में, और बाढ़ में क्या होता है कि गांव के लोग बाहर शिफ्ट होने लग जाते हैं, सेफ जगह पर जाने लग जाते हैं। और गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो वहां से निकल के बाहर नहीं जाता है, अपने घर पर ही रुकता है। वो कहता है, आई ट्रस्ट इन गॉड, आई हैव फेथ एंड गॉड विल सेव मी, ईश्वर मुझे बचाएगा क्योंकि मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा ईश्वर से लगा हुआ है। वहाँ पर एक जीप लेने के लिए आए कि भाई तू चल गांव से निकल के या फंस जाएगा, चल निकल के। लेकिन वो नहीं जाता, वो कह देता है गॉड विल सेव मी, आई हैव फेथ। और जब पानी ऊपर उठने लगता है तो वह दूसरी मंजिल पर, सेकंड स्टोरी पर चला जाता है। वहाँ एक बोट भी उसको बचाने के लिए आती है कि भाई चल यहाँ से निकल के। वो साफ मना कर देता है और कह देता है गॉड विल सेव मी, आई हैव फेथ, मेरे अंदर श्रद्धा है, गॉड मुझे बचाएंगे। थोड़ी देर बाद में पानी और ऊपर चढ़ता है तो वो टॉप रूफ पर चला जाता है, छत की पर, और वहाँ बचाने के उसे एक हेलीकॉप्टर आता है तो वो उससे भी मना कर देता है जाने से। कह देता है कि ईश्वर मुझे बचाएगा, मेरा श्रद्धा और मेरा विश्वास ईश्वर से जुड़ा हुआ है। एंड आफ्टर सम टाइम वाटर लेवल गोज अप एंड ही ड्राउन्ड, पानी का स्तर बढ़ता है और वह डूब करके मर जाता है। मरने के बाद जब अपने क्रिएटर के पास वो व्यक्ति जाता है, गॉड के पास वो व्यक्ति जाता है, तो वहाँ जाके पूछता है कि गॉड मेरा इतना बड़ा कंप्लीट फेथ मेरा तुम्हारे अंदर था, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुमने मुझे क्यों मरने दिया। तो गॉड ने उससे पूछा कि अच्छा तू ये बता कि तेरे लिए जो जीप आई थी बचाने के लिए वो किसने भेजी थी, जो नाव आई थी बचाने के लिए वो किसने भेजी थी, जो हेलीकॉप्टर बचाने के लिए आया वो किसने भेजा था। अब अपॉर्चुनिटीज तेरे सामने हैं, तो उनका लाभ ही नहीं उठाना चाहता तो इसमें कोई क्या कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड फैटलिस्टिक एटीट्यूड जो व्यक्ति के अंदर था। ये है घातक दृष्टिकोण जो हमें मरवा देता है, हमें असफल करवा देता है। इस घातक दृष्टिकोण से बचने का एक ही तरीका है, वो है बिलीविंग इन कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचर, प्रकृति का सिद्धांत है, कारण और प्रभाव का सिद्धांत, उसमें विश्वास करें तो इस फैटलिस्टिक एटीट्यूड से हम बच सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत क्या सिखाता है हमें, वो सिखाता है प्लानिंग करो, एफर्ट्स अपने प्रयास जारी रखो, कोशिश करो अपनी, ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे इस दृष्टिकोण से बचाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल गेट द राइट इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्टोरी। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।